सामने तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है आप कैसे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा हमारी आंखों के बारे में होगा कि आपके आंखें काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हैं, वो सुर्ख की क्या वजूहत है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप किन किन इलामत से किन किन तरीकों से अपनी आँख को सुर्ख होने से बचा सकते हैं, या अगर आपकी आँखें सुर्ख हो चुकी हैं तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली उसको सब्सक्राइब करें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी आईने में देखा है और देखा है कि आपकी आंखें सुर्ख हैं? चाहे आप बहुत लंबे अरसे से कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर घूर रहे हैं या एलर्जी का शिकार है, आपकी सुर्ख और तकलीफ हो सकती है। खुशकिस्मत से जलन और सूजन को कम करने के बहुत से तरीके हैं। आंखों की लाली खुश्क आंखों से एक दूसरे के साथ जा सकती है। देगम साइज जैसे इन्फेक्शन, सोजिश, आंखों का सदमा या लाली का सबब बन सकता है। आंखों के खतरों पर अपनी तहकीक करें। आंखों के खतरों की बहुत सी किस्में हैं, हर एक मुख्तलिफ हालात के लिए तजवीज किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी आंखें सुर्ख हैं और कंटैक्ट लेंस पहनते हैं, ज्यादातर आंखों के खतरे आंखों में खून की रगों को महदूद करके काम करते हैं। आंखों की नालियों को छोटा करने से आंखों की लाली को कम करते हैं। इनको ज्यादा इस्तेमाल करने से मुताद रहे क्योंकि आपकी आंखें इन पर मुनसर कर सकती हैं। बिलाकर अगर आपको इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ लाल पन मिल जाएगा। आंखों के खतरे आपकी आंखों के लिए सबसे ज्यादा कुदरती हैं, वो एक शीशी के इस्तेमाल में आते हैं जिसकी वजह से वो बहुत हफजाने सेहत बनता है। अगर आपकी लाली एलर्जी की वजह से है तो एंटी हिस्टामाइन से आंखों के खतरे तलाश करें। एंटी हिस्टामाइन आंखों की सोहापन या लालीपन का सबब बन सकता है, लिहाजा आप मसनू आंसू से इन कतरों को जोड़ सकते हैं। बैक्टीरिया से लड़ने वाले आंखों के कतरों से मुहतात रहें। बहुत से लोगों में इनमें मौजूद बचाव से एलर्जी होती है, आप अपनी आंखें और भी खराब बना सकते हैं। अपनी आंखों पर एक सर्फ कंप्रेक्स इस्तेमाल करें। ठंडा पानी आपकी सूजन को कम कर देगा जिसकी वजह से आंखों में खून आ रहा है और आपकी खारिश वाली आंखों को भी सुकून मिलेगा। आप अपने चेहरे पर कुछ ठंडा पानी छिड़क सकते हैं। सुर्ख आंखों की सबसे बड़ी वजह एलर्जी है जिससे हिस्टामाइन जारी करते हैं जो आंखें खुश करती है जिसकी वजह से खून की रगें खुल जाती हैं। ठंडा पानी आंखों में खून के बहाव को कम करता है और इसमें कुछ सोजिश का इलाज करता है। आइस या फ्रीज पैक इस्तेमाल करें। खून की शाख आंखों को राहत बख्शने का एक और आम और मौसर तरीका बर्फ का इस्तेमाल है। आइस और फ्रीज पैक इस तरह काम करते हैं जैसे ठंडे कंप्रेस करते हैं। अगर आपके पास फ्रिज पैक नहीं है तो आइस क्यूब को साफ वाश क्लॉथ में रखें जिसे 4 से 5 मिनट तक अपनी आंखों पर रखें। बर्फ या फ्रीजर पैक जैसे इंतहाई सर्द मसनूआत का इस्तेमाल करते वक्त आंखों की पतली तौलियों से हमेशा साफ करें, यह बर्फ को जलाने से रोकता है। अगर आपको सख्ती से छींक आती है या खांसी हो जाती है, यहाँ तक कि सिर्फ अपनी आंख को जोर से रगड़ना पड़ता है, तो आप खून की नाली को फटने का सबब बन सकते हैं। ज्यादातर मामलों में सिर्फ एक आंख मुतासिर होगी और आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। खून की नाली को कुदरती तौर पर खुद को ठीक करना चाहिए। कुछ दिन से लेकर 2 हफ्तों तक कहीं भी ले जा सकता है। अब आपको रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये उस वक्त भी हो सकता है अगर आपको खून पतला ले रहे हो, भारी लिफ्टिंग कर रहे हो, कब्ज हो या कुछ ऐसी सरगर्मी में मलूस है जिससे सर पर दबाव पड़ता है। ये भी हो सकता है अगर आपको खून की खराबी हो, ये भी रीजन हो सकती है। गुलाबी आंख मोतक बीमारी है, लिहाजा अपने हाथों को एंटी बैक्टीरियल साबुन, साफ कंटेक्ट लेंसों से अच्छी तरह धो लें और अपनी आंखें ना रगड़ने ये यकीनी बनाने के लिए आपकी आंख गुलाबी है। सूख और लाली सिर्फ एक आंख में होती है या पहले से पहले एक तरफा होने के बाद कम अज कम इब्तदाई चंद दिनों तक शुरू होती है। आपको हाल ही में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, यानी कान में इन्फेक्शन, नजला या जुकाम हुआ था, आप किसी के पास रहे हैं जिसकी हाल ही में गुलाबी आंख थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने राय का इजहार कमेंट्स में करें मैं किस किस्म की वीडियो बनाऊं ताकि आपके लिए मददगार साबित हो सके। शुक्रिया।